हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी F13 मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाया जाता है, यानी स्क्रीन फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप अपने मोबाइल के दोस्तों सेटिंग को ओपन कर लीजिए। मोबाइल की सेटिंग ओपन होने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए लॉक स्क्रीन का दोस्तों ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स सबसे नीचे आप आ जाइए, यहाँ पर दोस्तों देखिए फिंगरप्रिंट का दोस्तों ऑप्शन दिखाई देगा। तो दोस्तों इस फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद हो सकता है यहाँ पर आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही हो, तो जो भी आपने अपने मोबाइल में स्क्रीन लॉक डाल के रखा है वो दोस्तों आप डाल दीजिए। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बता रहा है कि आपके पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो आप अपना अंगूठा जो है इस पावर वाले बटन पर रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लगाते रहिए जब तक दोस्तों ये जो है 100% कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो दोस्तों मैं जो है फटाफट यहाँ से दोस्तों लगा लेता हूँ पूरी तरह से घुमा घुमा के। अब यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट एडेड लिखा है, अब यहाँ पर आपको डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों ये जो है फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली लॉक आपके मोबाइल में लग चुका है। तो इस प्रकार से आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो इस मोबाइल में।